हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है डीएसआर फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत इस वीडियो में आपके लिए सारे के सारे इम्पॉर्टेंट थिंग्स लेके आ गया हूँ जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, इस वीडियो के मैं हमने आप लोगों के लिए निबंध एप्लीकेशन जो अनसीन पैसे जा सकते हैं, पोएट्री के हों चाहे लेसन के हों, जितना जो कुछ भी है सारा कुछ कवर कर दिया। तो देख लीजिए वीडियो को बहुत अच्छे से शानदार ढंग से। देखिए, फंदे हेड में आपका जो सबसे पहला पैसेज है, ललिता सॉफ्ट सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन, ये देखिए ये पूरा चल रहा है। इसके बाजू में देखें, नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बच्चों, इसका जो आपका ना ये देखिए आंसर है, जैसे पहले वाले का है, व्हाट डिड ललिता सॉ इन हर गार्डन, ललिता ने क्या देखी थी, बीज देखी थी, ठीक है। व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, क्या नहीं कर सकती थी कि इंसेक्ट नियर प्लांट, मतलब कीड़े उसके पौधे के पास ना आए। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट, पौधों के अंदर क्या डालती थी, कंपोस्ट। देखिए पूरे उत्तर हैं आपके सामने, ये पूरे आ रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर पैसेज यहाँ पे आपको ये थ्री वाला भी देख लेना है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, इसमें आपको पूरा ये पूरा पढ़ना है इस पैसेज को बहुत अच्छे से। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, उनके आंसर देना। जैसे पहला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ, कब हुआ था, तो 1789 के बाद। दूसरे का है, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, क्या कहलाती, कॉकपिट। ये पूरे उत्तर हैं, आप इसको स्लाइड को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, इसमें मैंने पूरे आपके कवर कर दिए हैं। यहाँ पे बच्चों ये वाला हेलन केलर वाला पैसेज नंबर 6, तो देखिए आपको कौन कौन सा, वी आर लिविंग इन द फर्स्ट सेकंड और द फोर्थ वाला था, और ये 6 वाला, इनको आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और 6 वाले, ये वाले आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। ये आपके लेसन से रिलेटेड पैसेज हैं और इनके आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब बारी आती है नोट्स बनाने की, तो देखें ये बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैथेन, ठीक है, ये है पूरा, और इसके नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। ये देखिए पूरा आपका टाइटल लिखोगे बायोगैस, इसका नोट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और इसमें नीचे आ रहा है, उसका जो टाइटल है ये देखिए बाजू में लिखा है, एंजॉय और हॉलीडेज, और फिर उसका नोट्स है, ठीक है, ये है दूसरा पैसेज, ठीक है। तो ये दो वाले आप देख लीजिएगा। अब बारी आई लेटर्स की, तो आपके दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, है ना। तो एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा, तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। तो बच्चों इसकी आपको एप्लीकेशन अच्छे से देख लेनी है पूरी इस तरीके से, लास्ट में क्लास 10th की जगह आपको क्लास 9th लिख देना है। फिर यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी, 3 डेज सिक लीव के लिए आपको एप्लीकेशन आ सकती है। देखें स्पेशली आपको दो एप्लीकेशन बहुत अच्छे से देख लेनी है, एक है ट्रांसफर सर्टिफिकेट की और एक 3 डेज लीव की, इनको बच्चों याद कर लीजिएगा। ये पूरा मैंने यहाँ बता दिया है कैसे आपको क्या आना है। अगर फी कंसेशन की आ जाए तो आपके नीचे ये फी कंसेशन की लिखी है, इसको भी आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बाकी आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट और 3 डेज लीव की जरूर देख लीजिएगा। ये बुक बैंक वाली, ये बुक बैंक वाली भी पूछी जा सकती है, तो बुक बैंक वाली आप एप्लीकेशन इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो बेसिकली आपको मुख्य रूप से दो तैयार करनी है, कौन कौन सी, एक 3 डेज लीव की और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की। मगर उसके अलावा कोई और देखना चाहते बच्चों तो ये बुक बैंक वाली देख लीजिएगा। नीचे एक मैरिज वाला भी, देखो ये वीडियो आपके हाफ ईयरली में भी काम पड़ेगा, फाइनल में भी काम पड़ेगा, इसको अच्छे से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लेना। अब देखें यहाँ पर निबंध कौन से आएंगे, वंडर ऑफ साइंस का, देखिए बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, मैंने छोटा सा आपके सामने निबंध दिया है, पूरा आप इतना लिखोगे आपके 1.5 पेज कवर हो जाएंगे इसमें। इंट्रोडक्शन आपको याद है ना, निबंध में क्या किया जाता है बच्चों, इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा पूरा सही होना चाहिए और लास्ट का जो कंक्लूजन वो पूरा पूरा सही होना चाहिए। बीच के टॉपिक एक दो लाइन गड़बड़ हो भी जाए तो भी चलेगा, इसलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर विशेष ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा वंडर ऑफ साइंस का निबंध। इसके अलावा आपके बेसिकली यहाँ पर 6 निबंध दिए हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, मगर मैंने यहाँ 3 निबंध निकाले हैं इंपॉर्टेंट, जो ऑफ साइंस है, ये माय हॉबी है, माय हॉबी को देख लीजिएगा, इसका इंट्रोडक्शन है, माय हॉबी है, फिर डिस्क्रिप्शन है, पूरा दिया हुआ है। तो माय हॉबी कर लीजिए, वंडर ऑफ साइंस का तैयार कर लीजिए। अब इसके अलावा और भी दिए थे इंपॉर्टेंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और आपके ग्रेट लीडर जमाने भर के, तो मैंने बच्चों यहाँ पर आपके लिए 3 निकाले हैं, वंडर ऑफ साइंस, माय हॉबी एंड इंडियन फेस्टिवल, इनको आपको देख लेना है। इंडियन फेस्टिवल में इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, फिर इंपॉर्टेंस, फिर सेलिब्रेशन, फिर होली नाइट, इस तरीके से आपको पूरा करके ये लिख देना है बच्चों। ये हो गए हमारे निबंध एप्लीकेशन। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन की। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, एक डायग्राम मिलेगा, चित्र दिया जाएगा, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देख लेते किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे ये आ जाएगा आपको एक डायग्राम, इसमें आपको ये फिट एंड हेल्दी के ऊपर, तो ये पूरा चित्र मिलेगा, तो इसमें आपको इस तरीके से लिख देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये वाला आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। पौधों का महत्व तो है ना, पेड़ पौधों का महत्व तो क्या होता है, तो इसमें आपको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ये पूरा ये लिखा ऊपर, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसके बाद ही हॉलीडे वाला आप देखना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और वो पहला वाला जो आया था योगा एंड हेल्थ वाला, अगर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का आपको कोई और दूसरा भी चाहिए है तो ये है इसका वर्जन। ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ आप चाहें तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों प्रकार के आपके सामने दे दिए, आपको जो अच्छा लगे। आपके पास टाइम कम है, फटाफट इनको याद कर लें, लिख लें, नोट्स बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब बच्चों यहाँ पर एक और आता है, ये जो नीचे आपका आ रहा है क्रो वाला, कि एक कौआ प्यासा था बड़े मज़े से रहता था, आपने कविता पढ़ी होगी उसी प्रकार का है। एक कौए को प्यास लगी, वो मटके के पास आया, पूरी इसकी कहानी लिख देनी है, ये पूरी लिखी हुई है, इसको स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लें। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं, ये वाला फ्रूट वाला, तो कौन कौन से देखना है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज देख लेना है, क्रो वाला देख लेना है, और पहला वाला जो आया था वो, और ये चौथा वाला, ठीक है। ये चार आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, इनमें से चार में से चार ही आ सकते हैं या तो तीन आ सकते हैं, आपको लिखना तो केवल एक ही है, तो आप एक तैयार, इन चार को तैयार कर लें, एक फंस जाएगा आपका इसमें से। अब बारी आती ग्रामर की, देखिए इनमें ग्रामर में जो नंबर के सामने जिसमें लिखा हुआ है इनको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। जिनमें लिखा हुआ था तो फर्स्ट से लेकर सिक्स तक तो पूरे पूरे लिखे हैं, सेवन्थ वाला देख लीजिएगा, क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, ठीक है, तो ऑन लगा देना है इसमें। देखिए पहले ये आपके प्रश्न आ रहे हैं, इसके बाद लास्ट में यहाँ उत्तर हैं, जैसे 11वें में देखें तो एज के सामने मैंने निशान लगाया, मतलब इसमें उत्तर भरा जाएगा एज, तो 11वां कर लीजिएगा, 14वां कर लीजिएगा, फिर इसके बाद 14वें में क्या आ जाएगा बच्चों, द आ जाएगा, 16वां देख लीजिएगा, ठीक है, तो इफ़ सी वर्क हार्ड इस तरीके से, फिर आप इनको देख लीजिएगा, 18वां देख लेना, 18वें मच आएगा, 19वें में सम आएगा, 20वें में मे आएगा, मे आई टेक योर पेन, 24वें में वॉकिंग आ जाएगा, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, 25वें में द बुक इज़ ऑन द टेबल आ जाएगा, फिर 28वां देख लीजिएगा, ही इज़ एन एम ए, एन आएगा, ए एन एन एम ए इन इंग्लिश, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो आ रहे हैं आपके, देखिए और भी हैं, आप इनके चाहें तो इनको भी तैयार कर सकते हैं, देख लीजिएगा, 34 नंबर का तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें मैनी आएगा, 35 में मच आएगा, 36 में सिंस आएगा, इनको आप देख लें। फिर इसके बाद यहाँ पर 40वां नंबर, ठीक है, तो ये आ गया हैव, अगर आपको उत्तर भी देखने हैं तो यहाँ से आप उत्तर निकाल सकते हैं, जो जिनके उत्तर मैंने नहीं बताए उनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे पीछे करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चिल्ड्रंस हैव प्लेड इन द पार्क, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाला आप देखना है, दूसरा तैयार कर लीजिएगा, तीसरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, दूसरा तीसरा। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसके पहले बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिया है मैंने, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ब्रिज कोर्स पूरा है। देखिए 7वां नंबर ये अरेंज करने के लिए, ठीक है, कैन यू गिव मी योर पेन, इस तरीके से 8वां तैयार कर लीजिएगा, 9वां तैयार कर लीजिएगा, अंकित प्लेड हॉकी, इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो क्या आ जाएगा, अंकित दिस प्लेज हॉकी, ठीक है। 10वां कर लीजिएगा, 11वां जिनके आगे लिखा हुआ है कुछ नंबरिंग, एच लिखा, टी लिखा, स्टार लगा है, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। 13वां वाला देख लीजिएगा, कैन यू सिंग अ सॉन्ग आ जाएगा, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। फिर आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, ठीक है, इस तरीके से आपको 16वां नंबर देख लेना है। फिर दे प्लेड हॉकी, तो इसका आ जाएगा, हॉकी आर बीइंग प्लेड बाय देम, इसमें वॉइस बनाना है, आपको देख लीजिएगा जो आ जाए बन जाए। 20वां जरूर कर लीजिएगा, 20वां वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लीजिएगा। 22वां है आई हैव टेकन टी, इसका आ जाएगा इंटरोगेटिव में, आर यू टेकन टी, इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है बच्चों। ये सारे के सारे अच्छे प्रश्न हैं, ये लास्ट ईयर्स पूछे गए हैं, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली एग्जाम में एंड फाइनल एग्जाम में, उसी के हिसाब से पूरे इंपॉर्टेंट आपके सामने यहाँ मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब देखें आपको द फंदे हेड में पहला, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, क्या फाइंड किया था उसने, एक बुक देखा था, कहाँ पे बुक मिली थी आपको उनको, इन दिस हिज हाउस में, कितने साल का है मार्की, तो 11 साल की है। फिर चौथे वाले का देख लीजिएगा, कब लिखी गई है स्टोरी, कब लिखी थी, 2157 की, ठीक है। फिर पाँचवा देख लीजिएगा, पाँचवें का उत्तर सी है, पूरे उत्तर मैंने निशान लगा दिए हैं। छठवें का उत्तर देख लीजिएगा, डी आएगा। सातवा, व्हाट वॉज मार्की स्कूल, वेयर वॉज मार्की स्कूल, कहाँ था, इन हर ओन हाउस, मार्की का स्कूल कहाँ था, उसके खुद के घर में था, द रोड नॉट टेकन में, व्हाट डज येलो वुड्स मीन, क्या है, फॉरेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लें आप लोग, 9वें का ए उत्तर हो जाएगा। 10वां आप देख लें, ठीक है, किसने लिखी है पोयम, तो किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कौन सी, देख लीजिए पूरा। 11वां है, व्हाट डज डाइवर्स मीन, डाइवर्स मीन का क्या होता है, सेपरेटेड, है ना, डाइवर्स मतलब बटा हुआ, पन्ना अलग अलग। फिर द साउंड ऑफ म्यूजिक से 12वां नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें देख लें तो 12वें में इसका उत्तर आ जाएगा। सी 13वां देख लें, 13वां भी है, व्हाट डज एल्विन वेंट टू सेपरेट थ्रू हर म्यूजिक, तो डीप पीपल कैन लर्न म्यूजिक, इस तरीके से आप देख लें, इसमें पूरे निशान लगे हैं जिनमें, इनको बहुत अच्छे से देख लेना है। 15वें का डी वाला देख लीजिएगा उत्तर है,
सोलवे का बी उत्तर है। फिर 17 है वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले इन द सहनाई ऑन 15 अगस्त। बिस्मिल्ला खान ने सहनाई कहाँ बजाई थी 15 अगस्त के दिन? रेड फोर्ट, मतलब लाल किले में बजाई थी, ठीक है। फिर सहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, किसका रिफाइंड वर्जन है? तो पुंगी का रिफाइंड वर्जन है ना, पुंगी का ही एक रूप है सहनाई, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है बच्चों, इनको देख लें आप, तैयार कर लीजिएगा। फिर वेयर ब्रेक द शटल्स, नेम द थिंग्स, द विंड हैंडन, ये है वॉर्म डज विंड गॉड लाइक, तो इस तरीके से बच्चों प्लीज़ चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, दूसरों की तरह फर्जी पेपर नहीं देते हम आप लोगों को, आपका टाइम ख़राब नहीं करते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बहुत नुकसान है आपका, आगे चल के आपको कोई ना कोई बताएगा, फिर आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे चैनल में जो जानकारी मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। इतनी अच्छी और सटीक जानकारी हम जो देते हैं आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अभी आप 9th में हैं, फिर 10th 11th 12th चारों क्लास में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी, और आप खुद भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो पूरे उत्तर आपके सामने आ रहे हैं बच्चों, इसके पहले जो वीडियो मैंने दिया है ब्रिज कोर्स वाला, उसको जरूर देख लीजिएगा, पूरा ब्रिज कोर्स उसमें कवर करा दिया है मैंने किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे पीछे कुछ हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं, तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने इतने तैयार कर लिए तो लगभग आपके वैसे ही पूरे कवर हो गए हैं। बस यही है कि आपके पास टाइम कम है, फटाफट इनको आप पढ़ लें, तैयार कर लें, ठीक है। 39वां नंबर देख लें, वेयर डिड आइंस्टाइन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी, कहाँ पढ़ना चाहते थे? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद बच्चों ये पैसेज है, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन, ये पूरा ये पैसेज पढ़ के आपको इसके बारे में बताना है कि बाय वॉट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, कौन सी एज में? तो 2.5 ईयर, मतलब कि 2.5 साल की। फिर है वॉट डिड अल्बर्ट आइंस्टीन क्लासमेट कॉल है, उन्हें क्या कहते थे? तो ब्रदर बोरिंग, मतलब कि बोरिंग व्यक्ति कहते थे। व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ, किसमें? मैकेनिकल टॉयज, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने थे उनमें उनका ज़्यादा मन लगता था। फिर एल्विन वाला ये पैसेज आ सकता है, देखिए ज़्यादा मैंने नहीं दिया है बच्चों, आपके लगभग 7-8 रहे, 7-8 में से गिने चुने मैंने सिलेक्टेड 2 या 3 दे रहा हूँ आप लोग को। अगर लग रहा होगा कि मैंने पूरा का पूरा दे दिया तो ये आपका सोचना गलत है, ग्रामर बस दी है पूरी, क्योंकि बच्चों ग्रामर बहुत सारी थी, तो पर उसमें भी मैंने बच्चों निशान लगाए हैं कि कौन कौन से आपको स्पेशली तैयार करने हैं। आपने पूरी ग्रामर मैंने इसलिए दे दी क्योंकि अगर आपको कुछ और भी पढ़ना हो तो वहाँ से आप तैयार कर लें। ये मगर पैसेज मैंने सेपरेटली दिए हुए हैं बिल्कुल सिलेक्टेड, तो इनको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। पैसेज फोल देखें आप, पहले का उत्तर हो जाएगा बी वाला, फिर दूसरे का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी वाला, और जो तीसरा है, तीसरे का उत्तर आंसर्ड का उत्तर ये रिस्पॉन्स, ठीक है, नीचे निशान लगा कर लिखा हुआ है पूरा। तो इस तरीके से मैंने पूरे यहाँ पे बता दिए जी, पैसेज जितने हैं आपके इनको आपको देखे एक्स्ट्रा मैंने इसलिए दे दिए हैं क्योंकि आप इनको तैयार कर लें। देखो आपका 5th नहीं दिया मैंने, अब एक्सट्रैक्ट 1 यहाँ पे, व्हेन द ह्यूमिड सोड, पूरा लिखा हुआ है आपको, इसको पढ़ना है और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। जैसे पहला है, फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कौन सी पोएम से लिया गया है? द रोड नॉट टेकन रेन ऑन द रूफ वाइंड, और तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, रेन ऑन द रूफ। दूसरा है द अपोजिट ऑफ वर्ड ब्लिस, ब्लिस का अपोजिट हो जाएगा बच्चों कर्स, ठीक है, आपको ब्लिस मतलब कि अच्छा कहना है, कर्स मतलब बद्दुआ दे देना, ठीक है। फिर ये पूरा लिखा हुआ है आपका, एक्सट्रैक्ट 2 आ गया, 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कॉट, पूरा आपको पढ़ लेना है। इसके बाद 1st का उत्तर हो जाएगा इसमें बी वाला, 2nd का उत्तर हो जाएगा बी वाला, और जो 3rd वाला है, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइंस हैव बीन टेकन, कौन सी पोएम से ली गई हैं? द रोड नॉट टेकन से ली गई हैं, तो इनको आपको देख लेना है और इसको तैयार कर लेना है बच्चों। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को अपने शेयर कर दें क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, वो लोग भी फालतू के चैनलों के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए आपका भी नुकसान नहीं होगा। आप यहाँ पे आए हैं, इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो अपने दोस्तों की भी हेल्प कर दें, उनका भी कुछ अच्छा हो जाए। ये जो वीडियो है मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है, इस वीडियो के हिसाब से मतलब आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का पूरा कोर्स कवर है, इसमें आपका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे मैंने चैनल देखे हैं फालतू के वीडियो दे रहे हैं, फर्जी पेपर दे रहे हैं, और तो और आउट ऑफ सिलेबस कोर्स भी वहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे देखें बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स से रिलेटेड हैं, ये पूछे जा सकते हैं, ग्रामर में ट्रांसलेशन आ सकती है। तो बच्चों ये जो अब मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये सारे इसका वीडियो मैंने एक दे दिया है आपको, लास्ट में यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके इस टाइप के पूरे क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं, ये पूरी ग्रामर मैंने सॉल्व करा दी है। तो बच्चों ये जो है ग्रामर का पोर्शन है, इसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके पूरा सॉल्व करा दिया है, तो वहाँ से आप जाइए और उसको देख लीजिए बच्चों। आपके एग्ज़ाम हैं,
आपके पास टाइम कम है, फटाफट इनको पढ़ लीजिए। पूरे क्वेश्चन आंसर का वीडियो, क्वेश्चन आंसर का अलग मैंने वीडियो दिया है, ब्रिज कोर्स का अलग वीडियो दिया, ग्रामर का ये वीडियो दे दिया, तीनों दे दिए हैं। सारा पोर्शन आपका कवर हो गया। अब आपके काम है केवल और केवल पढ़ाई करना, तो फटाफट इनको नोट डाउन कर लें और अपनी तैयारी पे जुड़ जाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले पेपर्स में भी हम आपकी इसी तरीके से मदद कर देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।